नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। विश्व प्रसिद्ध महाकाल की नगरी, जिसे धार्मिक नगरी भी कहा जाता है, काल भैरव जयंती पर भगवान काल भैरव का स्वर्ण के आभूषणों से विशेष श्रृंगार किया गया। सुबह से ही हजारों भक्तों का बाबा के मंदिर में एक झलक पाने के लिए तांता लगा हुआ है। रात्रि होगी आतिशबाजी। काल भैरव के पुजारी ऐश्वर्य चतुर्वेदी ने बताया कि बाबा के जन्मोत्सव रात्रि से ही चालू हो गया है। इस बार अष्टमी रात्रि 12:30 बजे से होने के कारण बाबा का रात में भव्य श्रृंगार कर पूजन आरती व महाप्रसाद का आयोजन किया गया। रात्रि में बाबा के दरबार में आतिशबाजी भी होगी। बाबा की यहाँ प्रतिमा बेहद चमत्कारी है, जो मदिरा ग्रहण करती है। यह चमत्कार को देखने श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। आज बाबा के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रात भर से ही श्रद्धालुओं का आगमन लगा हुआ है। भगवान काल भैरव का मंदिर शिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ स्थित क्षेत्र में है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है और काल भैरव स्वयं शराब ग्रहण करते हैं। पुजारी द्वारा शराब का प्याला काल भैरव के मुख से लगाया जाता है। यह शराब पल भर में गायब हो जाती है। चमत्कार देखने लोग देश विदेश से आते हैं। उज्जैन में काल भैरव के दर्शन का विशेष महत्व है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अष्ट महाभैरव में काल भैरव, विक्रांत भैरव, सीता विराजमान भैरव, अटल पाताल भैरव, आनंद भैरव, बटुक भैरव, दंड पाणी भैरव आदि का उल्लेख किया गया है। उनकी स्वीकृत यात्रा एवं व्रत उपवास करने से इच्छित मनोरथ की प्राप्ति होती है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।